खबर बलिया से है, जहां बलिया में जय प्रकाश नारायण की धरती से बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के विरोध में छात्र संघ गांधी जयंती 2 अक्टूबर से बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थली जयप्रकाश नगर से बलिया गाजीपुर के रास्ते वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BHU गेट तक पदयात्रा करने की घोषणा की गई है। पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह झुंडू के नेतृत्व में छात्र संघ की बहाली को लेकर के यह प्रदर्शन किया जाएगा। यह पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 13 अक्टूबर तक चलेगा। कुल 12 दिनों के लिए यह पदयात्रा होगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं नागेंद्र बहादुर सिंह झुंडू। ये छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए पदयात्रा शुरू किया जा रहा है, वो भी 3 वर्ष शासन चुनाव बंद है। सरकार विधानसभा में कहती है कि शासन चुनाव कराए जाएंगे, कोई रोक नहीं है। यूनिवर्सिटी भी प्रत्येक वर्ष चालू कर दे रही है कि नियम लागू कर दे रही है कि चुनाव कराए जाए। कॉलेज भी डेट फिक्स करके जिला प्रशासन को प्रशासन के डिमांड के लिए भेज दे रहा है। प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन DM के यहाँ जा करके शासन फंस जा रहा है। यह आखिर क्या हो रहा है? शासन पर रोक है नहीं, सरकार कह रही है चुनाव कराया जाए, यूनिवर्सिटी भी लागू कर दे रही है, कॉलेज भी कह रहा है डेट या चुनाव कराए नहीं जा रहे हैं। ये सीधे सीधे इस मीमांसा को साफ करने के लिए बलिया का घेराव किया, बलिया का DM कार्यालय घेराव किया गया, छात्र कर्फ्यू लगाया गया, प्रदर्शन किया गया, DM आमरण अनशन छात्र नेता किए, उसके बाद भी डेट मिलने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया जा रहा है। कभी दीपावली का बहाना करके, कभी दशहरा का बहाना करके, कभी छात्र कभी नगर पालिका का चुनाव का बहाना करके, हमेशा चुनाव को टाल करके समाप्त कर दिया जा रहा है। इसीलिए इस साल सारे वरिष्ठ छात्र नेताओं को, चाहे जहाँ भी हो जिस दल में हो, उनको आह्वान किया गया है। उसी आह्वान के साथ आज प्रेस वार्ता में आंदोलन के पैदाई छात्र आंदोलनों की पैदाइश ये रणवीर ये ब्रजेश सिंह घाट पूर्व उपाध्यक्ष सतीश चंद काले, रणवीर सिंह सेंगर पूर्व उपाध्यक्ष TD काले, ये सारे आंदोलनकारी जिनकी पहचान ही आंदोलन से है, छात्र संघ की देन है, इसलिए इनको इकट्ठा करके, सारे वरिष्ठों को इकट्ठा करके और वर्तमान समय छात्रता है उनको जोड़ करके पदयात्रा के माध्यम से जयप्रकाश नारायण के जो छात्रों के लेकर के पूरा देश में एक आंदोलन चलाए थे, उसी रूप रेखा को तैयार करते हुए जयप्रकाश नारायण की धरती से, जयप्रकाश नारायण के घर से उनको मल्लार्पण करके पदयात्रा शुरू होगा और बलिया होते, रथरा होते हुए, कासिमाबाद होते हुए, कठवा मोड़ होते हुए, गाजीपुर के शाहजहानंद PG कॉलेज होते हुए, बनारस की UP कॉलेज होते हुए, हरिचंद कॉलेज होते हुए, विद्यापीठ में सभा करके BHU गेट पर महामाना मालवीय जी के मल्यार्पण करके इस प्रथम चरण का पदयात्रा समाप्त करके उसी दिन फिर 3 जिलों के छात्रताओं का बैठक करके अगले आंदोलन, जब तक छात्र संघ आंदोलन के माध्यम से करा नहीं दिया जाएगा, अब छात्र पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के माध्यम से पीछे मायावती में जो हम लोग 5 वर्ष चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव के लिए लड़े, मायावती की सरकार को डोला कर रख दिए, विधानसभा तक घेराव किए, माने नहीं। इस बार भी चाहे जिस स्तर तक हो, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया तो जिससे मायावती को उठा लिया गया था कि आपको गद्दी से उठा फेंका जाएगा, इस बार भी अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जाएगा तो इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए हम छात्र संघर्ष समिति योगदान करेंगे और जो छात्र संघ को समाप्त करेगा उस सरकार को नस्ते नबूद करने के लिए ये पदयात्रा चालू किया गया। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जो युवा